कविता लिखना पूछो इन फनकारों से, आसान नहीं है कविता लिखना पूछो इन फनकारों से, ये तो लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से, ये तो लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। जिस मकाम पर एक कार्यक्रम जाना, जिस ऊंचाइयों पर आप इसे ले जाना चाहते हैं और जिसे मैं आपके बीच में मुखातिब कराना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, और जुल्म और सब्र का ये खेल मुकम्मल हो जाए, उसको जो खंजर दिया है मुझे सर भी देना, उसको जो खंजर दिया है मुझे सर भी देना। आइए दोस्तों, कुछ ऐसे लबो लहजे की शायरी करने वाली शायरा जो शहर जबलपुर से निकलकर अनेकों मुशायरों में अपना मकाम हासिल कर सकी हैं और AIR और दूरदर्शन से नॉमिट हमारे बीच में, इसी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की हुई हिंदी डिपार्टमेंट से, और आज पूरे शहर में पूरे देश में उन्होंने अपनी गजलों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अपना एक मकाम बनाया है। मुझे उम्मीद है उनकी गजल आपको एक रूह तक पहुँचाएगी। आइए बिना मुराद के, बिना ताल्लुक के, बिना तारुफ के मैं आपसे उनका परिचय कराऊं, उन्हें हम सब प्यार से डॉक्टर रानू रूही के नाम से जानते हैं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आप माँ बिना पानी को नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमात्मा को नमन करती हूँ। कुछ कहने की कोशिश की है, यहाँ युवा वर्ग बैठा हुआ है, कहीं कोई कहन कहीं कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी तालियों से आशीष दीजिएगा। सुनिएगा चार पंक्तियाँ, ये चार पंक्तियाँ आशा रानी जी ने बहुत मेहनत लगन और परिश्रम से इस कार्यक्रम को सजाया है, सवारा है। चार पंक्तियाँ मैं उन्हें उनकी नजर कर रही हूँ, सुनिए। बेवफा वो भी नहीं, हम भी नहीं, पर ये हुआ
बेवफा वो भी नहीं हम भी नहीं पर ये हुआ बस वफा के सिलसिले चलते रहे बेवफा वो भी नहीं हम भी नहीं पर ये हुआ बस वफा के सिलसिले चलते रहे वो भी कुछ ना कह सके और हम भी कुछ ना कह सके वो भी कुछ ना कह सके और हम भी कुछ ना कह सके रफ्ता रफ्ता इश्क की हम आग में जलते रहे रफ्ता रफ्ता इश्क की हम आग में जलते रहे और यहीं से चार पंक्तियां और समाप्त करें के साथ रहता है मगर दूर तक नहीं जाता साथ रहता है मगर दूर तक नहीं जाता कैसा ये इश्क है जो नूर तक नहीं जाता कैसा ये इश्क है जो नूर तक नहीं जाता जान दे दूंगा तेरे वास्ते कहता है मगर इस मिसरे पर आप सभी का आशीष चाहूंगी सुनिएगा जान दे दूंगा तेरे वास्ते कहता है मगर हाथों से का कभी ये गजल इन नौजवान को समर्पित सुनिएगा इश्क करने से महसूस मुझको हुआ इश्क करने से महसूस मुझको हुआ इश्क मेरा सनम इश्क मेरा खुदा इश्क करने से महसूस मुझको हुआ इश्क मेरा सनम इश्क मेरा खुदा आशय देखिए के शर्म से मैं सिमटने लगी उस घड़ी शर्म से मैं सिमटने लगी उस घड़ी उनको छुकर हवा ने जो मुझको छुआ शर्म से मैं सिमटने और अगला शेर देखें तेरे पहलू में जाएगी ये जा मेरी तेरे पहलू में जाएगी ये जा मेरी दिल की धड़कन से ये आ रही है सदा अब तो उनके सिवा कुछ भी दिखता नहीं अब तो उनके सिवा कुछ भी दिखता नहीं इश्क ने हमको गुमराह ऐसे किया अब तो उनके सिवा कुछ भी दिखता नहीं इश्क ने हमको गुमराह ऐसे किया और गजल का मकता पेश कर रही हूँ कि साथ जीने का वादा किया है रूही साथ जीने का वादा किया है रूही खुद को मरने की देती नहीं बदुआ खुद को मरने की देती नहीं बदुआ इश्क करने